What is the difference in the temperature so in the thermometer given below? यहाँ पर इमेज में दो थर्मामीटर दिया गया है जिसमें से हमें टेम्परेचर दोनों का डिफरेंसेस बताना है कि कितना डिफरेंसेस है. इस टेम्परेचर यहाँ पर 90 डिग्री हो रहा है, टेम्परेचर यहाँ पर 90 डिग्री और यहाँ पर आपका 20 डिग्री हो रहा है. इन दोनों को हम माइनस करते हैं तो ये हमारा आता है 70. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 70 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. शिवा परचेज अ वाटर बॉटल ऑफ 250 सेंट एंड टिफिन बॉक्स इज 325 सेंट एंड स्कूल बैग फॉर 520 सेंट. इफ सी गिव्स थ्री नोट्स ऑफ 500 सेंट टू बी शॉपकीपर देन हाउ मच मनी सी विल रिसीव. अगर सिया ने 325 का टिफिन बॉक्स खरीदा है, 250 का वाटर बोतल खरीदा है एंड 520 का इन्होंने स्कूल बैग खरीदा है तो ये टोटल कितना हो गया, 5 और 9 और 5 10. 1095 इन्होंने 500 के थ्री नोट्स दिए हैं अर्थात 1500 इन्होंने दिए हैं. 1500 में से अगर हम माइनस करते हैं 1095 तो हम माइनस करेंगे तो माइनस करके यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ 10 हो गया, 10 में से 5 गया, 5 ये 990 हो गया, 5 ये यहाँ से क्रॉस हो गया तो ये हो गया 4. तो 405 सेंट हो गया. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम. आज मैं आपके लिए कृष्ट ओलंपियाड से क्लास 3 के लिए मैथमेटिक्स ओलंपियाड के सैंपल पेपर सिलेबस एंड इस ओलंपियाड में आप पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होती है, सिलेबस क्या होता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होते हैं, एग्जामिनेशन फीस क्या रहेगी, ये सारी चीज़ आप इस ओलंपियाड में देख सकते हैं. एग्जाम के डेट कब है और कब तक आप इस एग्जाम में रजिस्टर हो सकते हैं, चलिए जान लेते हैं क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. एलिजिबिलिटी में बच्चा अगर आपका 3rd क्लास में है और वो मैथ ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो किसी भी बोर्ड से हो इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकता है. एग्जाम में दो तरीके से पार्टिसिपेट किया जाता है, डायरेक्ट और स्कूल दोनों माध्यम से कर सकते हैं. मैथमेटिक्स ओलंपियाड की एग्जाम दो लेवल में होती है, लेवल 1 एंड लेवल 2. लेवल 1 एग्जाम पास करने के बाद लेवल 2 एग्जाम में बच्चे पार्टिसिपेट हो सकते हैं. जो बच्चे डायरेक्ट स्कूल से देते हैं उनकी एग्जाम स्कूल में होगी और जो बच्चे इंडिविजुअल फॉर्म भरते हैं मैथ ओलंपियाड के वहां पर वो बच्चे जो है कॉपी लिंक, यहाँ पर ये लिंक दी गई है, ये डायरेक्ट बच्चों को रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए, यहाँ से आप रजिस्टर करेंगे तो एक फॉर्म खुल जाएगा और जनरल इन्फॉर्मेशन डिटेल्स आपको यहाँ पर भरने होते हैं और इस प्रकार आप रजिस्टर हो सकते हैं और यहीं पे आपको पेमेंट के मेथड भी मिल जाएंगे जिस तरह आप पेमेंट कर सकते हैं. पेमेंट 225 रुपीज लगती है. इस प्रकार रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है. जो बच्चे इंडिविजुअली फॉर्म भरते हैं वो जो है यहाँ पर घर में बैठ कर एग्जाम दे सकते हैं और उसके लिए उनके पास एक कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए, साथ ही उसमें वेबकैम अटैच होना चाहिए और उसकी इंटरनेट फैसिलिटी गुड होनी चाहिए ताकि एग्जाम के समय उसे वेबकैम के द्वारा मॉनिटरिंग किया जा सके. आइए अब देख लेते हैं क्लास 3rd मैथ ओलंपियाड का सिलेबस क्या है. सेक्शन 1 में आ जाते हैं न्यूमरल, नंबर्स, नेम, नंबर सेंस, 4 डिजिट नंबर, कंप्यूटिंग ऑर्गेनाइजेशन, फ्रैक्शन, लेंथ, वेट, कैपेसिटी, टेम्परेचर, टाइम, मनी, ज्योमेट्री, डेटा हैंडलिंग, अचीवर सेक्शन, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, सिलेबस एज पर एज सेक्शन 1. एग्जाम डेट आपका 5 दिसंबर और 23 दिसंबर है. दो डेट यहाँ पे दी गई है, कोई भी एक डेट जो आपके स्कूल के द्वारा चूज की जाती है उसी डेट पर आप मैथ ओलंपियाड का एग्जाम दे सकते हैं या फिर आपने इंडिविजुअल फॉर्म भरा है तो जो डेट आपने एग्जाम में चूज किया है उसी डेट पर आपकी एग्जाम होगी. लेवल 2 की एग्जाम 7 फरवरी को होगी. लेवल 1 में जो बच्चे एग्जाम में लेवल 1 में पास हो जाते हैं वही बच्चे लेवल 2 का एग्जाम देंगे. लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इट इज दैट एडवाइजेबल टू रजिस्टर फॉर द एग्जाम बिफोर नवंबर के पहले पहले आपको यहाँ पर रजिस्टर हो जाना है. चलिए अब इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम देख लेते हैं.
विच ऑफ द फॉलोइंग द सेम एज 729 प्लस 257, यहाँ पे इन दोनों नंबर को हमें प्लस करना है, 6729 और यहाँ पे हो जाता है 257, इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो 4, 7, 15, 16, 16, 1 कैरी ऑन, 5 और 2, 7 और 1, 8 नेक्स्ट हो जाता है 7 और 2, 9 एंड 6986, ये ऑप्शन डी में आ जाता है 6986, इसको एक्सप्लेन फॉर्म में लिखा गया, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर टू, इफ ए ग्रोसर सेल 24 एग एवरी डे देन हाउ मेनी एग्स डज ही सेल इन अ वीक, अगर कोई ग्रोसर 24 एग प्रतिदिन सेल करता है तो एक वीक में वो कितना सेल करेगा, एक वीक में 7 डेज होते हैं तो 7 into 24 हम करेंगे, 6 4 28 टू कैरी ऑन, 7 2 14 15 16 आंसर हो गया 168, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, द क्लास प्रोजेक्ट द चिल्ड्रन इन द क्लास आर पुट इनटू ग्रुप ऑफ 19, हाउ मेनी सच एच ग्रुप फॉर्म द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास 4, 7, 5, एक स्कूल प्रोजेक्ट के लिए एक ग्रुप वाइज जो है यहाँ पर बच्चों को प्रोजेक्ट दिया गया है जहाँ पर पुट 9 ग्रुप बना, हाउ मेनी मच ग्रुप सच एज फॉर्म स्ट्रेंथ, अगर बच्चे 475 हैं तो एंड क्लास पुट 19 ग्रुप, तो कितने बच्चे एक ग्रुप में आएंगे, यहाँ पर देख लीजिए 475 को अगर हम डिवाइड करते हैं इससे 19 से, 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, तो 19 1 जा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 19 2 जा 38, यहाँ 17 में से 88 जाएगा तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5 और 1 ग्रुप्स। अब यहाँ पर हम 19 बच्चे, गलत हो रहा है एक मिनट, ये गलत जा रहा है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, फिर से इसको कहते हैं फॉर क्लास प्रोजेक्ट, एक मिनट, फॉर क्लास प्रोजेक्ट द चिल्ड्रन इन द क्लास आवर पुट इनटू ग्रुप्स ऑफ 19 ग्रुप्स हैं तो हाउ मेनी सच ग्रुप एज फॉर्म स्ट्रेंथ ऑफ क्लास 4, 7, 5, 4, 7, 5 में हम 19 को डिवाइड करते हैं, चलिए यहाँ पे जो है डिवाइड करेंगे, फिर से गड़बड़ हो गई है, 4, 7, 5 डिवाइडेड बाय 19 2 जा 38, 38 में से इसको हम माइनस करेंगे तो ये होगा 17 में से 8 माइनस जाएगा तो 9 होगा, इधर से क्रॉस करके 1 लिए 17 हो गया, ये 330, यहाँ पे 5 यहाँ आ गया तो 19 2 जा 19, 5 जा 9, इस बच्चे 95 5 हो गया यहाँ पे तो 19 5 95, सो करेक्ट आंसर क्या हो गया 25, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, द कॉस्ट ऑफ चिप्स पैकेट इज 25 सेंट एंड कॉस्ट ऑफ डेटा पैक ऑफ मिल्क इज 30 सेंट, हाउ मच मनी विल बेटर गेट शॉपकीपर इफ ही बाय 3 पैकेट्स ऑफ चिप्स एंड 4 टेट्रा पैक्स ऑफ मिल्क, अगर चिप्स की प्राइस 25 है और मिल्क की प्राइस 30 है तो पीटर ने शॉपकीपर से खरीदा है 3 पैकेट चिप्स तो 25 3 जा 75 और 4 पैकेट मिल्क खरीदा है तो यहाँ पे 30 into 4 ये हो गया 120, तो टोटल उसको कितना पैसे देना है तो 591 195 सेंट, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो गया 5,
A mug can hold 475 ml of water. How much water will 5 similar mug hold? अगर एक मग इतना वाटर होल्ड करता है तो सिमिलर इसी प्रकार का 5 अगर हम लेते हैं तो कितना होल्ड करेगा? तो यहाँ पे हमको 5 से मल्टीपल करना है. 5 5 25, 2 कैरी ऑन, ये 5 है. 5 7 35, 36 37, 3 कैरी ऑन, 5 4 20, 20 21 22 23 24 23. ये हो गया आपका 23. तो यहाँ पर ये देख लीजिए, आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 2 L 375 ml आंसर आ जाएगा. इतना ये 5 मार्क्स होल्ड करेंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज द टेम्परेचर शो इन द गिवन फिगर बिलो? इस इमेज में कितना टेम्परेचर शो हो रहा है? तो चलिए देख लेते हैं नंबर 6. इसमें जो है टेम्परेचर 50 60 70, ये 50 और 100 के बीच के पोर्शन दिखा रहे हैं. तो यहाँ पर 50 60 70, ये 70 हो रहा है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 70 डिग्री फ़ारेनहाइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं. ये हम देख चुके हैं. अब आ जाते हैं 9 क्वेश्चन नंबर पर. बकेट कैन होल्ड 8 लीटर वाटर. इफ द बकेट इज 1/4 फिल्ड, देन हाउ बकेट वाटर देयर इन द बकेट? सो यहाँ पर इसको आप खुद सॉल्व करेंगे. इस तरह के क्वेश्चन हमने सॉल्व करवा दिए हैं. करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. आउट ऑफ 350 ग्राम ऑफ शुगर, 180 ग्राम ऑफ शुगर आर यूज टू मेक ए स्वीट डिश. तो व्हाट फ्रैक्शन शुगर वाज यूज मेक ए स्वीट डिश? कितने? तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम 180 पोर्शन पूछ रहा है. यहाँ पे 240 कर लेंगे. 00 क्रॉस हो गया. 36 18 और 3 से 24 को हम क्रॉस करते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6 3 18 एंड ये हो जाएगा 6 4 24. तो यहाँ पे अपॉन क्या आ रहा है? 3 / 4. करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी, 3/4. 3 6 18 और 4 6 24. तो ये हमारा इस तरह का हो जाता है. या फिर छोटे डिजिट में आप कर सकते हैं. पहले 9 9 2 18, 12 2 24. फिर इसको हम 3 से काटेंगे. 3 3 9 और 3 4 12. स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार हम कर सकते हैं. तो आंसर हमारा हो गया 3/4. करेक्ट आंसर इज 3/4. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. A milkman sells 27 liter 500 milk of milk every day. How much does not sell? तो इसमें आप क्या करेंगे? वीक में 7 डेज होते हैं. 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे. इस तरह के क्वेश्चन अभी ऊपर में हमने सॉल्व करवाए हैं आपसे. इस तरह के क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. A train that about the arrive at the station 9:20 AM is running late by 7 hours 35 minutes. At what will टाइम इट अराइव द स्टेशन? चलिए इस तरह के क्वेश्चंस को चलिए हम ट्रिक इन नोट्स में देख लेते हैं. यहाँ पर 7:90 से 9:20, 9:20 से 10:20 वन आवर्स हो गए. फिर नेक्स्ट हो जाएगा 10:20 से 11:20, ये हो जाएंगे आपके 2 आवर्स. चलिए इसको मैं करके फिर आपको बताती हूँ. नेक्स्ट इसी प्रकार 11 के बाद हो गया 11:22, 12:20, 12:20, ये हो गया 3 आवर्स. नेक्स्ट हो गया 12:22,
1:20, 4 hours, फिर है 1:22, 2:20, 5 hours, 2:20, यहाँ पर है 2:20, 5 hours, फिर 2:22, 3:20, 6 hours, और 3:22, 4:20, ये हो गया 7 hours। अब हो जाएगा 7 hours में 35 minutes ऐड किया गया है, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 35, तो ये हमारा इक्वल टू हो जाएगा 4:55। चलिए अब आपको मैं बताती हूँ, चलिए ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक ट्रेन जो है 9:30 AM पे आती है जबकि 7 घंटे और 35 मिनट्स लेट है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इस प्रकार करेंगे बच्चों। चलिए देखिए 9:20 से 10:21 hours हो गया, इसी प्रकार 10:20 से 11:22 hours, 11:20 से 12:23 hours, 12:20 से 1:24 hours, 1:20 से 2:25 hours, इसी प्रकार 7 hours हो गए, पूरे 35 मिनट्स एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तो 3:20 से 4:20 7 hours तक हो गए, और फिर इसमें हमने ये 35 ऐड कर दिया, तो 4:55 आंसर क्या हो जाएगा, 4:55 PM करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ही 30 PM एंड वर्क अप 8 PM, तो नेक्स्ट डे हाउ आवर्स इज ही स्लीप, इसको भी हम इसी प्रकार करके देखेंगे। चलिए इसके आंसर मैं आपको बता देती हूँ, आंसर आएगा 7 hours 15 minutes। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एलाइ शॉपिंग टू हर सिस्टर एंड अमाउंट ही हैड, सी स्पेंड 1/4, यहाँ पर पहले इसको हम देख लेते हैं, ही स्पेंड 213 का उसने सूप खरीदा, और प्लस 513 का क्लॉथ खरीदा, तो फ्रैक्शन अमाउंट सी स्पेंड, इसने कितना टोटल खर्च किया, तो 5/7 आंसर आ जाएगा, 7/13, 7/13 उसने खर्च किया, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, एन इवेंट एज स्कूल चेयर वेर अरेंज सो ही वाज 25 चेयर्स स्कूल कॉलम, मान लीजिए इफ देयर वाज 945 चेयर इन ऑल, फाइंड द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ चेयर, कॉलम्स ऑफ चेयर, एक 25 कॉलम हमें बनाना है, 45 कॉलम्स बनाना है, और यहाँ पर टोटल चेयर्स है 945, यहाँ हमें बताना है कितने कॉलम होंगे, तो चलिए इसको मैं बता देती हूँ, 945 को हमें डिवाइड करना है 45 से डिवाइड करेंगे, 45 2 जा 19, 4, ये 5 यहाँ नीचे आ गया, 45 1 जा 45, ये क्रॉस हो गया, तो हमारा आंसर आया 21, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स ए पॉलीगॉन विथ 3 sides कॉल्ड ट्रायंगल रेक्टेंगल स्क्वायर एंड सर्कल, करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए ट्रायंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट करेक्ट फ्रैक्शन फ्रॉम ऑफ द इमेज गिवन, यहाँ पे किस प्रकार का फ्रैक्शन ऐड हो रहा है, चलिए इसको देखेंगे और आप सॉल्व करेंगे, करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 5/8, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन देन डिवाइड बाय 24, इसमें से अगर 24 को आप डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आएगा, चलिए देख लेते हैं, 7250, इस तरह बच्चों डिवाइड करते हैं, इसको हम 24 से डिवाइड करेंगे।